लोग ये देख रहे हो, ये हम लोगों का रूम है। सवेरे सवेरे पी रहा हूँ मैं कॉफ़ी। यार एक्चुअली मैं धूप की वजह से ना मेरी आँखें थोड़ा सा बंद बंद हो रही हैं सुबह सुबह, सो गॉगल्स लगा लेता हूँ यार मैं। अब आ गए हम लोग देखो फॉर्म में, ब्लॉगर स्टाइल में। सो अभी मैं चल रहा हूँ यार पाथवे पे, ऐसा पाथवे हर जगह बना हुआ है यहाँ पे। और ये देखो भाई, ये इनका गार्डन है, पार्क है बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पे। पता नहीं आप लोगों को, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे झूला वूला लगा हुआ है। इस साइड में जाओगे तो शॉप है, आप सामान खरीद सकते हो, चाय वगैरह और भी पेस्ट हो गया, मतलब जनरल सामान आप लोग खरीद सकते हो वहाँ पे जा कर के। पुलिस सहायता केंद्र भी है वहीं पे। और पार्किंग की फैसिलिटी तो देख लीजिए, अपने ही रूम के सामने ही आप अपनी बाइक लगा सकते हो यार। सो यहाँ पे क्या, थोड़ा सा नेट स्पीड लो है, सो व्लॉग मेरा यार इसके पीछे वाला, मतलब इस व्लॉग के पीछे वाला व्लॉग टाइम पे नहीं आ पाया, क्योंकि यार 3-3 4-4 GB की फाइल बनती है और 4K HDR में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो आप लोग 4K में मतलब बड़े से बड़े टीवी में देख सकते हो, इतनी ही क्लियरिटी मिलेगी। ऊपर से अगर आपकी टीवी या फ़ोन HDR सपोर्ट करता है तो मेरा व्लॉग आप लोग हाई डायनेमिक रेंज में देख सकते हो, ताकि आप लोगों को और अच्छे कलर्स मिलें, क्योंकि मैं कलर कभी भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। कोई एक्स्ट्रा कलर मैं किसी भी व्लॉग में नहीं डालता हूँ, सब प्योर ऐसे ही रहता है, रॉ फाइल रहती है मेरी। सो दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे मतलब इस साइड दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा है, सिनेमैटिक्स देखो यार। कैसा लगा सिनेमैटिक्स, मज़ा आ गया कि नहीं यार? कमेंट ज़रूर करके बताना यार मुझे। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को, कर दिया करो यार सब्सक्राइब, यार मुझे पहुंचा दो यार 4-5-10 मिलियन सब्सक्राइब कर देना यार, अगर अच्छा लगे वीडियो तो। सो कैसा लगा सही में बताना यार। मेरे पीछे है ये प्लेटफॉर्म है, सो ये बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना आप लोग, इसका हमेशा हर सुबह चेकिंग होता, सब कुछ होता है यार, बहुत ही सेफ़ है। बोट राइड इन लोग करवाते हैं, ये रही बोट, और एक वो देख रहे हो नीली वाली, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, एक ये नीली वाली बोट है। अभी कुछ देर में हम लोग जाएंगे, जब ये चालू हो जाएगा प्लेटफॉर्म, तब हम लोग जाएंगे बोट राइड पे। और मैं क्या बोलूँ यार, अगर थोड़ा सा कम ठंडी रहता तो मैं दिखाता कि उस तरफ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, थोड़ा जूम मैं करता हूँ, ये जो आप लोग लाइनिंग देख रहे हो ना, इसके उस तरफ में आइलैंड है पूरा। आई होप सो कि इधर से मैं दिखा सकूँ अगर वीडियो में आ जाए तो। सो आप लोग अगर ये वाला हिस्सा देखोगे ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ यार। सो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये देखो, ये पूरा आइलैंड है भाई, ये देखो। तो जो आप लोगों ने अभी बोट देखी है यार, वो है स्पीड बोट, और मैन बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है, मैंने सुबह में देखा है यार, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है। खैर, और वो देखो एक वहाँ पे भी टापू है। एक्चुअली में क्या है ना, वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो वाला हिस्सा। तो ये वाला टापू है यार, वो वहाँ पे आप बोट वगैरह से जा सकते हो, यहाँ पे यार ये देखो,
ये है, वहाँ पे भी वो देखो बोट खड़ी हुई है, वहाँ पे भी जा सकते हो आप लोग। और इस तरफ में मैं आपको लेकर के अभी चलता यार। आप लोग भी सोच रहे होगे भाई बता दे कौन सी जगह पे है तू, भाई बैठ करके बात करते हैं, क्योंकि सिनेमैटिक्स लेने में ना हालत ख़राब हो जाती है। सो अब इस जगह के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ यार। ये है सतरेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिस जगह पे मैं रुका हूँ ये है सतरेगा रिजॉर्ट एंड बोट। बोट क्यों है वो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बोटिंग होती है और थोड़ी देर में आप लोग देख लोगे यार। और ये जगह इस्टेब्लिश हुई थी करीबन 1 साल पहले, ये जो रिज़ॉर्ट बना था ये 1 साल पहले ही बना हुआ है, मतलब बिल्कुल ही नया है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यार यहाँ पे। अभी उन लोग बता रहे थे कि 1 जनवरी को तो मतलब पूरी भीड़ ही लगी हुई थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर लेना उनसे, मैंने भी कॉन्टैक्ट कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना यार, रूम बहुत कम है यार एक तो, और गवर्नमेंट साइट पे मतलब छत्तीसगढ़ टूरिज्म पे भी आप कांटेक्ट करके यहाँ का नंबर पा सकते हो। सो उस तरफ से अब इस तरफ आ चुके हैं यार हम लोग घूमने के लिए, और ऐसे ही सुबह सुबह निकल गए हैं यार, ट्रैकिंग ही हो रही है एक तरीके से मान लो। और इस तरफ भी देखो एयर सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, ये देखो यार देख लो, ये अभी पूरे तरीके से कम्प्लीट नहीं है, पूरा कम्प्लीट होगा अभी। और जिसके लिए मैं हमेशा मना करता हूँ, कचड़ा मत फैलाओ, प्लीज़ डस्टबिन में हर कुछ फेंको यार। सो विवेक कैसा लग रहा है? बोट राइड, जेट राइड पे, सॉरी हम लोग जाने वाले हैं जेट राइड पे। सो यार हमारे पीछे ये जो देख रहे हो ना, ये है टिकट काउंटर, ये खुलता है करीबन 11:30 बजे के लगभग में, और जेट राइड होने वाली है। उसके लिए मैंने अपना गोप्रो जो है ले लिया है, क्योंकि यही काम आएगा भाई, फोन तो मैं नहीं निकालने वाला हूँ। सो ये वाली अपनी बोट है यार, देखो तैयारी हो रही है। ये भी चलाएंगे भैया, ध्यान चलाएंगे, हैं चला लो विवेक, हम तो बोल रहे हैं यार चला लो भाई। सो यहाँ पे गजब की भीड़ हो चुकी है भाई, ये देखो इधर पूरा भीड़ है, उधर भी भीड़ और इधर भी पूरी भीड़ है। बहुत करना आता है ना भाई? नहीं आता। अरे तुमको वहीं चल के वो बीच में छोड़ दिया जाएगा और फिर बोट को वापस से खींच लिया जाएगा। नहीं अरे यार छोड़ोगे, एक्चुअली क्या हम तैरना भूल गए ना इस वजह से। तो तैयार होते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये हमारे बोट वाले दूसरे बोट को धक्का मारते हुए इसे बोल देना, और मुझे नहीं पता ये गोप्रो में आवाज़ कैसी आएगी, कितना वाइड लेगा, बस मैंने ले लिया है गोप्रो और ये हम लोग तैनात हो चुके हैं। अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे मतलब क्या बताएं, लग रहे हो भाई एकदम, बस यहाँ पर पिस्तौल लटका लो उसके बाद तो एकदम मरीन वाले ही लगोगे, एकदम सैनिक। विवेक देखो इसीलिए तुमको फ्रंट सीट दिलवाए हम बोट में यार। हम कहाँ बैठे भैया? पकड़े रहिए भैया ना, थोड़ा वेट ज़्यादा है मेरा। ओहो हो ओ विवेक, मज़ा आ रहा है ना बे, मज़ा आवा था ना विवेक।
तो यहाँ पे हमारी बोट राइड होती है ख़त्म। 4-5 मिनट की राइड थी यार, मज़ा आ गया, एक अल्टीमेट मज़ा। यहाँ पे आओ तो ये ज़रूर करो यार, ज़रूर। कहीं पे भी आपको मौका मिले ना, गोवा पो कहीं पर भी, ज़रूर करो यार, एकदम भर करके सब कुछ करना चाहिए लाइफ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सतरंगा रिजॉर्ट? और यार बहुत ही अच्छी जगह है भाई, बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आना बनता है एक बार। और यार जो जेट बोट राइड है ना यार, वो तो मतलब बनती है, चाहे अकेले चले जाओ चाहे अकेले चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एडलिन रश मिलता है ना आपको, वो कहीं नहीं मिलेगा बॉस। ऐसा लगता है कि हवाई जहाज पर बैठा दिया गया भाई, मज़ा आ जाता है यार, मज़ा आ जाता है यार। तो दोस्तों, आई होप सो कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। अरे सर, फेल देते, अरे फोन चला जाता।